ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए मनुष्य में हमेशा से ही जिज्ञासा और उत्साह देखने को मिला है, और इंसान की हर जिज्ञासा को शांत करने का काम विज्ञान ने ही किया है। मनुष्य के आसपास लगातार अनंत चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं, जिसका जवाब लगातार विज्ञान दे रहा है। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स जिसके अंदर हम सब, आप, मैं, ये सार सभी बसे हुए हैं, उसकी भी एज हम आज जानते हैं कि वो है 13.7 बिलियन ईयर्स। और ये हर चीज़ हम इसलिए जान सके क्योंकि हम साइंस और साइंस की टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा हर साल इम्प्रूव करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर है कि कैसे देश में युवाओं को विज्ञान और तकनीक की तरफ आकर्षित किया जा सके, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में नोबेल पुरस्कार प्रदर्शनी का शुभारंभ 9 जनवरी को किया, जो कि फरवरी के अंत तक चलेगी। आई डिक्लेयर द एग्जीबिशन ओपन एंड होप यू विल ऑल हैव एन अपॉर्चुनिटी to experience it. The Nobel Prize is the world's recognized at the highest level for creative ideas, thought and work on fundamental science. आप ये तो जानते हैं कि हमारे खून में आयरन मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये आयरन हमारे शरीर में आता कहां से है? आयरन जब स्टार्स या सूर्य जिनकी डेथ होती है, वो डेथ होने के टाइम एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले प्रोसेसेस है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे आयरन है, आयरन के आगे गोल्ड है, वो सब स्टार की डेथ हुई, उसके एशेस या जैसे भस्म से हम आज बने हुए हैं, वो एक फैक्ट है। विज्ञान की गणना भले ही इस तरफ इशारा कर रही हो कि पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मनुष्य की महत्वाकांक्षा उसे दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ तक कि वो ब्रह्मांड में जीवन के दूसरे विकल्प तलाश रहा है। So if you look at our closest star, the closest star itself is few year light years away. That means if I send a signal high, it takes few years for that high to reach that star. And that is why, and if you look at our galaxy, the size of our galaxy is few 50 to 100,000 light years big. So if you send a signal from that sun, by the time it reaches Earth, 100,000 years have passed. साइल पुरस्कार के क्षेत्र में जितनी खोज हुई उसमें सबसे अहम कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई खोज रही। अब यंत्र जितने छोटे हो रहे हैं उनकी क्षमता उतनी ही बढ़ रही है। अल्बर्ट फर्ट और पीटर ग्रिनबर्ग को 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग कर सके जिसमें इलेक्ट्रॉन पोजिशन अप और पोजिशन डाउन दोनों में साथ में कोहेरेंस में रहते हैं, जिसको क्वांटम कोहेरेंस कहते हैं, तो आप सिर्फ 10 बाइट की जगह पे 1000 बाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। दुनिया भर में ग्रेविटेशनल तरंगे मापने के लिए केवल दो ही लैब हैं, लेकिन इन तरंगों के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ भारत अब आगे आया है, और तीसरी लैब ग्रेविटेशनल तरंगों को मापने के लिए अब भारत में बनेगी। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ढूंढा कि ग्रेविटेशनल वेव्स, जिसे गुरुत्वाकर्षण तरंग कहते हैं, जो आइंस्टाइन ने 100 साल पहले प्रिडिक्ट किया था, उससे भी हम ब्रह्मांड को ढूंढ सकते, समझ सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन के करीब 100 साल पहले का अनुमान आखिर सच साबित हुआ है। दरअसल करीब 125 अरब साल पहले ब्रह्मांड में 2 ब्लैक होल में टक्कर हुई थी। गौरतलब है कि 100 साल पहले आइंस्टाइन ने कहा था कि इसके बाद अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा हुई, और ये तरंगें किसी तालाब में पैदा हुई तरंगों की तरह आगे बढ़ती हैं। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सबूत मिल गए हैं। 2015 में
ब्लैक होल की टक्कर के बाद पैदा हुई ग्रेविटेशनल तरंगें अमेरिका की लीगो लैब में मिल गई हैं।